प्रथा व निजीकरण के विरोध में आर्य विटका ने किया अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। हनुमानगढ़ विद्युत निगमों में चल रही ठेका प्रथा FRT MBC क्लस्टर निजीकरण जैसी जनविरोधी कुप्रथाओं को बंद करवाने की मांग को लेकर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने जंक्शन स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए प्रबंध निदेशक के नाम का ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री अनिल चुलका ने कहा कि JDBVNL में चल रही और प्रस्तावित FRT GSSMBC ठेका प्रथा व क्लस्टर निजीकरण जैसी कुप्रथाएं निगम के साथ साथ आम उपभोक्ता के लिए लाभकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष से पूर्व विद्युत मंडल के समय में विभाग का घाटा 700 करोड़ था और घाटों की आड़ में विद्युत मंडल को 5 निगमों में बांटने में का जनविरोधी फैसला लिया गया, जिसके कारण वर्तमान में विद्युत निगमों का घाटा 1,00,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, वो लॉसेस का ग्राफ भी बढ़ गया है। जिला अध्यक्ष भीमसेन कारगवाल ने बताया कि जिस प्रकार से विद्युत मंडल को 5 निगमों में बांटने का फैसला गलत साबित हुआ, उसी प्रकार FRT MBC को बढ़ावा देने का फैसला भी आत्मघाती साबित होगा। उन्होंने कहा कि विद्युत निगमों के घाटे का मूल कारण निगमों में ठेका प्रथाओं को बढ़ावा देना है और इन कुप्रथाओं को बिना हटाए विद्युत निगमों का घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। कारगवाल ने कहा कि निगमों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिससे निगम के समस्त कार्य कर्मचारियों से संपादित हो सके। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जैसे कि प्रदेश की भांति राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान की सार्वजनिक संस्थाओं को जो दुकान की तरह बेचने का काम करना शुरू किया है, उसके विरोध में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन, जो कि हनुमानगढ़ में FRT लगाना, GSS को टेंडर पे देना, ये कुठारघात हो रहा है कर्मचारियों के साथ। गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो कर्मचारी है, निगम को 70% कर्मचारी देने का काम कर रहा है, उसके बावजूद भी जब भी जैसे भी देखा जाता है कि राजस्थान में कर्मचारी ज्यादा है, हनुमानगढ़ में कर्मचारी ज्यादा है, और हनुमानगढ़ को FRT लगाना और GSS टेंडर पे देना एक बहुत ही बड़ी कर्मचारी के साथ साजिश हो रही है और कुठारघात हो रहा है। निगम को बेचने का जो काम किया जा रहा है, हम उसके विरोध में हर हालात में लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम सार्वजनिक उपकरण को नहीं बेचने देंगे। ये हमारे समाज की और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो सिस्टम है, इसको हम बेचने नहीं देंगे। हम दर दर भटकते नहीं फिरेंगे। हमने वादा किया है, आज एक दिन का जो धरना हनुमानगढ़ में रखा है, अगला 7 दिन के बाद में प्रबंधन निदेशक महोदय जोधपुर डिस्कॉम का जोधपुर में धरना रहेगा 7वें दिन आज से, और हम अनिश्चितकालीन धरने पे वहाँ बैठेंगे। अगर प्रशासन और सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम किसी भी हद तक लड़ने को तैयार हैं।